छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में स्वागत है दोस्तों। तो इस समय की बड़ी घटना सामने आई है, रायपुर बिलासपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, एक की मौत। खड़े ट्रक में घुस गई तेज रफ्तार बस, वाहन के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त, 12 यात्री घायल। रायपुर बिलासपुर हाईवे पर रविवार को हादसा हो गया। इस हादसे में बस में सामने की ओर बैठे युवक की मौत हो गई है। मृतक बस का ही स्टाफ बताया जा रहा है। हादसे में एक दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों को बेमेतरा जिले के स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भेजा गया है। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक ये हादसा नेशनल हाईवे मार्ग पर नांदघाट इलाके में हुआ। माना जा रहा है कि बस के ड्राइवर ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और ये हादसा हो गया। बस के सामने का हिस्सा ट्रक में जाकर धंस गया। ट्रक और बस के बीच एक युवक दबकर वहीं मारा गया। बस में पिछली सीटों पर सो रहे दूसरे यात्री झटके से गिरकर घायल हो गए। सड़क पर बस में काफी देर तक यात्री फंसे रहे। कुछ लोगों ने स्थानीय पुलिस को खबर दी। इसके बाद एक एक कर सभी को अस्पताल ले जाया गया। ये बस बिलासपुर की दिशा से रायपुर आ रही थी। हादसे में रायपुर के भी कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। हादसे में मारे गए युवक और अन्य यात्रियों की जानकारी पुलिस जुटा रही है। पिछले 12 घंटे में इसी सड़क पर ये दूसरा हादसा है। शनिवार को बाइक सवार माँ बेटे को ट्रक ने टक्कर मार दी थी। युवक इस हादसे में गंभीर रूप से घायल है।